नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे देख सकते हैं यहां पे ये 9 इंची का पिलर बना रहे हैं और ये जो साइड में है ये 4 इंची का दीवार लगा रहे हैं। तो इसमें मैं दिखाना चाहूंगा कितना बढ़िया तरीका से जोड़ काटे हुए हैं। जैसे ये ऊपर 2 इंच लगा हुआ है तो इसमें नीचे इसका जोड़ काटने के लिए 1.5 इंच लगा हुआ है। इसी तरीके से ये लगा हुआ है, आगे ये डेली लगा हुआ है। डेली इसलिए लगा है कि जो आगे ईंट लगाएंगे वो बिल्कुल बीचों बीच आए। तो इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं और साहुल किस तरीके से करेंगे और 4 इंची दीवार किस तरीके से लगाते हैं, तो वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो 4 इंची दीवार के लिए 4 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट रखना है और यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल बराबर बिछा लेना है। चार इंची दीवार पे पूरा 4 इंची प्रॉपर मसाला बिछाना है और यहाँ पे जैसे कि ये कॉलम जो बनाए हैं, पिलर जो बन रहा है, इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से मसाला बिछ चुका है। अब जैसे कि इस रोक से 2 लंबी ईंट लगा हुआ है तो इसका जोड़ हम किस तरीके से काटेंगे, तो 1.5 ईंट हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से। मतलब ये वाला जो नुकर में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला के रखना है। कई बार तो होता है जब कोर धार वाला ईंटा, मतलब ये कोर धार वाला ईंटा रखना है यहाँ पे। कई बार तो ईंटा होता है जब हम फेंकते हैं तो ये कोर धार टूट जाता है, वो वाला टूटा कोर धार वाला ईंटा नहीं रखना है। बिल्कुल सीधा रखेंगे तभी जाके ये जो नुकर होगा बिल्कुल सीधा जाएगा। तो एक ईंट हम यहाँ रख दिए हैं, दूसरा जो ईंट होगा हम यहाँ रख देंगे। और इसके आगे एक ईंट और यहाँ रख देंगे। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, जैसे आगे ये 1.5 ईंट लगा है और नीचे में ये डेली लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो जोड़ है वो कितना बढ़िया तरीका से यहाँ कट गया। अब यहाँ पे इस नुकर में और इस नुकर में साहुल कर लेना है, एक ही ईंट से करना है। तो थोड़ा सा ही गैप है जैसे कि देख सकते हैं और इतना ही गैप इधर भी रखना है। तभी जाके जब यहाँ हम साहुल किए इस ईंट से, तो इसी ईंट से ये सारा मतलब कि साहुल करते हुए ऊपर को हम आए हुए हैं और उसके बाद में यहाँ से हम साहुल किए हैं वहीं से ईंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेना है यहाँ पे। और आगे वाला जो ईंट है, जैसे कि मान लीजिए कि इस नुकर में हमारा सूत बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा हुआ है, तो ये आगे वाला जो ईंट है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में सटा लेना है। जब इसके ऊपर ईंट रख के हम बांधेंगे इस तरीके से, तो हल्का सा गैप दे देना है, जितना ये सूत जैसे कि दिख रहा है उतना ही यहाँ पर हम गैप दे देंगे। अब चलते हैं दूसरी ठेहे की तरफ, वहाँ पर तो यहाँ पे जैसे कि नीचे में एक सबूत ईंट लगा हुआ है, तो इसका जोड़ काटने के लिए ऊपर में ये आधा ईंट रखे हैं। यानी कि जब मान लीजिए कि ये पूरा ईंट है 9 इंची का, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बीचों बीच काटेंगे तो आधा ईंट होगा, तो वही आधा ईंट यहाँ पे रखना है। और उसके बाद 4 इंची दीवार पर इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से मसाला बिछा लेना है। यहाँ जब बांध है तो ज़्यादा दूरी तक कहीं मसाला नहीं बिछाना है। और जैसे में नीचे हमारा ये आधा ईंट लगा हुआ था, इसके ऊपर हम एक साबुत ईंट रखेंगे इस तरीके से, ये वाला इधर से और इधर से बिल्कुल मिला के रखना है। और यहाँ पे ज़्यादा इसको हिलाना भी नहीं है, नहीं तो दीवार टेढ़ा हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे और इधर साहुल करेंगे, तभी जाके ये भी नुकर बिल्कुल सीधा जाएगा। तो यहाँ भी एक ही ईंट से साहुल करना है और इधर भी कर लेना है। मतलब जब भी ठेहा बांधे दोनों तरफ जरूर साहुल करें बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसके बाद में यहीं से सूत को अच्छी तरीके से मिला के आगे वाला जो ईंट है इसका नुकर जो है बिल्कुल सूत में कर लेना है। अब यहाँ पे जब बांधेंगे इसको इस तरीके से, जब बांध दिए तो हल्का सा इसमें सूत इतना गैप रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमारा ठेहा बन चुका है, फिर चलते हैं उधर। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा ही गैप है यहाँ पे। जब आगे हम फिर किस तरीके से मसाला इसके ऊपर बिछा रहे हैं, तो दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला आ चुका है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ फैला लेना है इसको। अगर मान लीजिए कि दूसरी साइड कोई मिस्त्री अगर लगा रहा है तो मसाला किस तरीके, ये सूत है उसके नीचे से इस तरीके से कांडी को बिछाएंगे तो थोड़ा सा भी सूत में टच नहीं करेगा कांडी।
और उसके बाद में यहाँ पे जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक ठोक के लगाना है। और जो भी ईंट रखे मतलब कि ये नुकर यहाँ पे और इस नुकर में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। ये गैप की बात करें तो बिल्कुल गैप बिल्कुल बराबर रखना है, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से ये गैप दिए हैं। तो नीचे मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से ये जो साबुत ईंट लगा हुआ है इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये जोड़ कट रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी जोड़ काटें, और नेक्स्ट में इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो फिर इसके ऊपर हम किस तरीके से बांधते हैं तो मैं दिखाना चाहूँगा जो जोड़ जो ये खाली रखे हुए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जोड़ भर दिए हैं, और ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से टिप टिप के लगाना है। और मान लीजिए एक बात और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कई जगह होता है कि जब 4 इंची दीवार लगाते हैं, ये वाला जैसे 4 इंची दीवार ये हो गया, और यही इधर भी जैसे ये 4 इंची दीवार लगा है इधर भी 4 इंची दीवार होता तो वहाँ पर किस तरीके से इसका दाढ़ा बांधना था। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये पौन ईंट यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पौन ईंट जो लगा हुआ है जब इसके ऊपर हम फिर बांधेंगे तो ये जो पौन ईंट है वो इधर को घुमा देना है, और ये यहाँ जैसे कि ये डेली लगा हुआ है यहाँ पे वो डेली यहाँ आ जाता, और पौना ईंटा से आगे हम एक और साबुत ईंट आगे रख देते तो इधर का भी दाढ़ा बन जाना था। तो फिलहाल हम खाली कॉलम ही बना रहे हैं। तो इसके ऊपर जो पौन ईंट लगा हुआ है यहाँ पे इसका हम फिर जोड़ किस तरीके से काटते हैं, तो 9 इंच का जो कॉलम है इसको इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को बिछा लेना है। और यहाँ पे एक ईंट हम यहाँ रख देंगे और दूसरा जो ईंट आएगा हमारा यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल इस नुकर में मिला के रखना है यहाँ पे। तो ये कॉलम हमारा तैयार हो गया। अब ये जो साबुत ईंट लगा हुआ है और यहाँ जो पौन ईंट लगा हुआ है इसका फिर मतलब मान लीजिए कि जो हम आगे इधर चुनाई लगाएंगे इसको बिल्कुल बीचों बीच जोड़ काटने के लिए एक डेली हम यहाँ रख देंगे। जब डेली रखेंगे यहाँ पे तो जो ये साबुत ईंट लगा हुआ था ये बिल्कुल बीचों बीच में आ गया, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में जिस ईंट से हम फिर साहुल किए थे उसी ईंट से फिर साहुल कर लेना है, और इस नुकर में भी कर लेना है, और यहाँ इस नुकर में भी कर लेंगे। कई बार तो होता है कि यहाँ 13 इंची का भी कॉलम बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि तो 4 इंची इधर हो जाता तो हमारा 13 इंची का कॉलम हो जाता। अब यहाँ से हम साहुल किए यहीं से सूत को मिलाएंगे, और ये जो आगे वाला ही जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सूत में कर लेना है, और डेली जो भी है इसको भी कर लेना है अच्छी तरीके से। और जब फिर बांधेंगे इसके ऊपर तो थोड़ा हल्का सा गैप दे देना है इसमें, मतलब जितना ज़्यादा गैप नहीं देना है, जितना हमारा ये सूत है उतना ही इस नुकर में गैप दे देना है। और उसके बाद में फिर मसाले को दीवार के ऊपर रख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सूत जो सूत ये बना हुआ है उसी के नीचे से, और ये जो कांडी एक बार इधर से फेर देना है और एक बार यहाँ से इस तरीके से फेर देना है। और यहाँ पे अब जो भी ईंट रख रहे हैं आगे मतलब कि ये जो ईंट हम लगाए हैं इसके बिल्कुल बीचों बीच जोड़ा रहा है, और गैप भी जो देना है मतलब मान लीजिए गैप है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर गैप रखना है, यानी कि जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसका जोड़ कट रहा है। तो गैप दोस्तों कभी मोटा अभी कभी पतला कर देंगे तभी हमारे जोड़ पे फर्क पड़ने लगता है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। और जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के और सूत में मिला लेना है, और दर्ज ये जो है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जब इधर को भरें तो यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगा लेना है,
बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच खाँच के और भर देना है, तभी जाके 4 इंची का जो दीवार होगा काफ़ी मजबूत होगा और दर्ज जो था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच खाँच के और भर दिए हैं। अब ये जो दर्ज है जैसे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से टिप टिप के अच्छी तरीके से हर एक रदा में अच्छी तरीके से टिप टिप के चुनाई करना है। तो दीवार जो होगा दोस्तों काफ़ी मजबूत होगा, क्रेक जो होता है वो आने का चांस बिल्कुल अच्छी कम होगा। कई बार तो होता है मान लीजिए बीचों बीच कटा है, कई बार इतना ही कटता है, उसमें ज़्यादा क्रेक आने का चांस होता है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। तो दोस्तों 4 इंची का जो दीवार होता है तो 9 इंची का कालम इसी तरीके से बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करें।